वेलकम बैक वंस अगेन। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से एक सही टेक्निकल रीजन हमको दिख रहा है बाय करने के लिए। एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक है, जाकर आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम में हम क्या करते हैं, टेलीग्राम में बेसिकली हम सिग्नल पोस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 25% टारगेट हिट, यानी 25% प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। लगभग यहाँ पर 13 मार्च को हमने सिग्नल पोस्ट किया था स्ट्रैक्स का। एससीआ कॉइन का आप देख सकते हो 20% प्रॉफिट गेन हुआ है। उसके अलावा लॉट मोर सिग्नल डिया कॉइन को आप देख लो, यहाँ पर आप देखेंगे बीम कॉइन 34% प्रॉफिट, ओएसटी कॉइन 35% प्रॉफिट। और उसके अलावा अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी सिग्नल है जो कि हमने यहाँ पर 10% प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट, मतलब बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी हम पोस्ट करते हैं जो भी टेक्निकली हमको मिलती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाकर टेलीग्राम का और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, तुरंत उसको पहले जाकर ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप मेंबर है जिसने ऑलमोस्ट $6,200 को कन्वर्ट किया है $23,000 में। यानी हम वो सिग्नल्स आपको पोस्ट कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो बिना सोचे समझे सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जाकर आप ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ बेसिकली नियोकॉन की बात करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखो, कोशिश करूंगा आपका समय बचाते हुए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बना सकूं। देखिए नियोकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली नियोकॉइन यहां पर एक न्यूज आ रही है 31 मार्च को, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है फिल वक्त नियो के लिए। अगर हम नियोकॉइन को यहां पर एनालिसिस करना चाहे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा, पहला मैं डॉलर के हिसाब से बताऊंगा, देन मैं आपको बीटीसी के हिसाब से एंट्री पॉइंट भी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप डॉलर वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, एक तो याद रखिए कि हमने नियोकॉइन को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $7 से $8 पे बाय किया हुआ है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं। लगभग अगर इसकी प्रॉफिट की बात करो तो नियरेस्ट 400% प्रॉफिट जो मार्केट प्राइस हिट किया था वहां तक हम पहुंच चुके थे। और फिल वक्त में मार्केट फिल वक्त में एक मंथली कैंडल के हिसाब से थोड़ा बहुत वीकनेस शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके डेली टाइम या वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको री एंट्री दूंगा, जिसने $8 पे या $7 पे अगर मिस किया है ना, उनके लिए मैं समझता हूँ मैं एंट्री पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पर ये चीज देखिए, मार्केट ने सक्सेसफुल तरीके से ब्रेकआउट तो कर दिया है। अगर मैं इसको डे में जाऊं तो यहां पर बेसिकली एक पैटर्न, नॉट परफेक्ट पैटर्न, बट यहां से चांसेस लग रहा है कि मार्केट डॉलर वैल्यू के हिसाब से, देखिए बीटीसी और डॉलर वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है, डॉलर वैल्यू के हिसाब से यहां पर मार्केट कर सकता है बेसिकली पुल बैक। यानी मार्केट का चांसेस है कि मार्केट यहां से करेगा पुल बैक नियरेस्ट $24। देखिए जिन्होंने बॉटम पर बाय नहीं किया उनके लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ यहाँ पर बन रही है बाय करने के लिए। तो यहाँ पर दो सिनेरियो है, एक जब मार्केट अगर $24 या $25 तक आता है नियो का, तो आप उस टाइम बाय कर सकते हो नियो को एंट्री के लिए। फिल वक्त में जो पैटर्न बना है ये कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है, जो कि एक तरीके से डिटरमाइन कर रहा है कि भाई ये मार्केट यहाँ से जो है नीचे यानी डाउन जाने वाला है। तो हम इस कॉइन को अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर देंगे ताकि हमको री एंट्री का मौका मिल सके। तो नियो यूएसडीटी के अंदर हम अगर बाय करने की कोशिश करेंगे तो एक तो फिल वक्त में जो मिल रही है वो सिर्फ कौन सा है, $24 to $25। अब अगर मान के ये चलते हैं कि अभी हमको इस लेवल पर एंट्री मिल जाती है और अगर हम इस लेवल पर उसको बाय करते हैं तो हम सेल कहां पे करें। देखिए मैं मल्टी टारगेट देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टारगेट की बात करूँ ना, तो एक तो अगर हम इस लेवल पर बाय करें तो फर्स्ट टारगेट लगभग हमारा 268% के करीब रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूँ, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट में आपका ये जो सेकंड टारगेट है वो नियरेस्ट बन सकता है करंट बाइंग प्राइस से पिछले ऑल टाइम हाई के करीब, जो कि 700% के करीब है। और अगर मैं इसके अबव, ये जो पिछले ऑल टाइम हाई का टारगेट हो गया, यानी पिछले बार जो मार्केट ने बुल रन बनाया था ये उस टाइम के टारगेट है, अगर हमको न्यू ATH न्यू टारगेट पे सेल करना है तो हम अपने टारगेट कैसे सेट करें वो आगे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यू टारगेट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जाएगा और ज्यादा हाई पूरे फिबोनाची के टारगेट को कंप्लीट करते हुए, जो कि बन रहा है नियरेस्ट $800। पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो नियोकॉइन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $800 पे हिट करने के लिए इस बुल साइकिल के अंदर, क्योंकि देखिए अगर आप लॉगरिथमिक चार्ट के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन यहाँ पर करना चाहेंगे ना, तो
तो यही टारगेट मेरे को दिख रहा है, क्योंकि अगर आप पिछला बुल रन साइकिल का लेवल को ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो नियरेस्ट 3000%, राइट, यानी मार्केट ने 3000% का जंप लिया था, और करंट में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिबोनाची भी और मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर यहाँ पर लग रहा है मार्केट 3000% जाएगा। तो मैं यहाँ पर हर सिनेरियो के हिसाब से अगर नियो कॉइन को देखूँ तो मेरे को एक चीज दिख रही है यहाँ पर क्लियरली कि मैं पिछला साइकिल के हिसाब से परसेंटेज आई एम सॉरी पिछला साइकिल का जो परसेंटेज है वो लगभग 31,000% है, मिस्टेक है माइनर सा, 3000 का उसको वो बेसिकली 31,000% है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ फिबोनाची के हिसाब से सेट करें तो ये 3200% के करीब तक का टारगेट यहाँ पर बन रहा है। सेकंड सेकंड चीज यहाँ पर याद रखिए, फिबोनाची का जो टारगेट है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होता है और मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी करेगा। अगर मैं ये सिर्फ इतना ही देखूं कि अगर मार्केट इस नेकलाइन तक आ जाता है, मत के चलो कि मार्केट पिछले ऑल टाइम हाई के अबव आ गया है और उसके बाद मार्केट करेक्शन कर रहा है और वापस मार्केट हाई के लिए रेडी है, तो देखिए इतना याद रखिए जितना मार्केट का प्रीवियस साइकिल था ना उतना ही साइकिल के हिसाब से मार्केट अप जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न दिख रहा है एक तरीके से एक सॉसर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि 3000% तक का टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ से 3000% मतलब यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इतना हाई तो नहीं, क्योंकि 3000% की अगर मैं बात करूँ तो ये तो यार बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप 3000 देखेंगे तो ये तो 4000 5000 10000 डॉलर के करीब चला जा रहा है। तो इतना तो नहीं परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ है कि 800 डॉलर तक मार्केट आपका इजीली हिट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो नियो यूएसडीटी के अंदर री एंट्री अगर आप बनाना चाह रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। वेट करो कि मार्केट पुल बैक करेगा अपने जो पिछला नेकलाइन है उस लेवल पे। क्यों? अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक तरीके का सॉसर और एक तरीके से हैंडल बना हुआ है, यानी कोपन हैंडल पैटर्न, जो कि लग रहा है कि शायद मार्केट पुल बैक लेगा और इस पर हम बाय करेंगे और चांसेस है कि मार्केट वापस हाई जाएगा। अब अगर मार्केट इसको पुल बैक लेकर हाई जा रहा है तो फिर से यहाँ पर हमको दोबारा एक कोपन हैंडल पैटर्न मिलेगा, राइट, फिर उसके बेस पर हम दोबारा अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि कोपन हैंडल का फॉर्मूला है या एडम ईव का फॉर्मूला है कि भाई जितना हाइट रहेगा उस हाइट के हिसाब से आप अपसाइड में टारगेट सेट करो, तो यहाँ पर भी चांसेस कि मार्केट हमारा और भी ज्यादा हायर जा सकता है, क्योंकि मार्केट हर लेवल पर कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा और हर पैटर्न के बेस पर हम उसके अंदर ट्रेड यानी अपना जो टारगेट है उसको हम सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नियो बीटीसी को यहाँ पर देखना चाहेंगे तो नियो बीटीसी के अंदर मेरे को कंफर्मेशन भी मिल रहा है। एक तो मैंने बोला था भाई पिछले ऑल टाइम हाई से करंट रेशियो चेक करो जो कि नियरेस्ट 97% के करीब है, मतलब पूरे तरीके से यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन अपना अच्छा खासा कर लिया है। मेनली जो मेरे लिए एक डिफिकल्ट एरिया फिल वक्त में देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंट है। जिस वक्त मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंट ब्रेक कर दिया तो मैं बीटीसी पैर के अंदर नियो में फिर से बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं वेट करूँ कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो फिर मैं फुल्ली कन्फर्म हूँ कि नियो बीटीसी भी आपका बुलिश हो जाएगा। क्योंकि डॉलर वैल्यू तो बुलिश ही है लेकिन बीटीसी के हिसाब से अभी तक मार्केट बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न जिसको ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न कहा जाता है। मैं मल्टी एनालिसिस के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। एक तो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर आने के बाद रिवर्सल कैंडल दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक है, उसके बाद मार्केट हायर जा रहा है। सेकंड अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन यहाँ पर जो हमारा टारगेट होता है वो बेसिकली बनता है इस अपसाइड रैली पर, राइट। प्लस अगर आप यहाँ पर फिबोनाची लेवल को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1.618, जो कि हमारा करीबन जो फिबोनाची और अपना जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न है उसके करीब है। यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया बेसिकली ये पिछले वक्त का एक रेजिस्टेंट लेवल है। मतलब यहाँ पर दो चीज हो रही है, क्या क्या भाई टेक्निकल मार्केट लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हाई जाएगा अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन फिबोनाची, यानी एक बार मार्केट यहाँ से हाई जाएगा पुल बैक लेगा तो हमारा जो पिछला रेजिस्टेंट बन के बैठ यानी जो पहले का सपोर्ट था जो करंट में रेजिस्टेंट का काम कर रहा है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, और एक बार ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए तो फिर मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा नियो के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा फेवरेट कॉइन ही है, मैं इसको आंख बंद करके होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी मुझे क्योंकि पिछले बुल रन में मैंने इससे काफी हेल्दी प्रॉफिट गेन किया। अगर आप करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई की ही बात करते हैं तो ये लगभग 2000% का प्रॉफिट दिखा रहा है।
सिर्फ करंट लेवल से ऑल टाइम हाई। और अगर आप एक कंफर्मेशन के बाद बाय करते हैं, मतलब आप बोलेंगे कि नहीं यार थोड़ा पिछला जो लेवल है ना, एटलीस्ट ये जो लेवल बना हुआ है ना, तो एटलीस्ट मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे तब मैं बाय करूंगा, तो मेरे हिसाब से फिर भी आपका प्रॉफिट कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर मैं न्यू टारगेट नहीं दे रहा हूँ, न्यू ऑल टाइम हाई नहीं दे रहा हूँ, बस पिछले ऑल टाइम हाई के करीब ही आपको सेल करना है, जो कि फिल वक्त में जो बंदे को मिल रहा है नियरेस्ट 1400% टू 1700%, यानी 1700% का आपको प्रॉफिट अगर मार्केट पिछले लेवल को ब्रेकआउट करके कन्फर्मेशन के बाद यानी पुल बैक के बाद अगर आप एंट्री करते हो तो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप इसके ऊपर किस हिसाब से एंट्री करना चाह रहे हैं, करंट लेवल पे बाय करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना चीज याद रखो यहाँ पर किसी को कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जनरल से ओपिनियन शेयर करो कि भाई ये चीज हो सकती है। और एक चीज याद रखो, मैंने पर्सनली नियोकॉन में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट करो उसी के ऊपर आपको रिसर्च करते हुए आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम के अंदर न्यूज भी है और पिछले बुलरन में मेरे को नियो में काफी हेल्दी रिटर्न मिला था। बाकी चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको हर चीज बारीकी से एक्सप्लेन करना। आपको पर्सनल क्या लगता है कि नियोकॉन में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं रहेगा, टेक्निकल के हिसाब से तो काफी सही दिख रहा है, बाकी अपनी आपकी एक राय जानना चाहूंगा कि आपको पर्सनली क्या लगता है। अगर आपकी ओर से कोई सजेशन है और कॉइन इसके रिलेटेड, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो क्या चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल वक्त में वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।